एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, तो इसी खास मौके पे मैं आज साड़ी भी वेयर की हूँ और मंदिर भी जा रही हूँ। तो चलिए मंदिर, तो अब हम सारा सामान ले लेते हैं और चलते हैं मंदिर। और मैं अब दीपू बाबू को भी मिस कर रही कि वो होते तो साथ में जाते, लेकिन आज वो है नहीं तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। कल भी मैं अकेले ही थी और आज भी। पहुंच गए हैं मंदिर, मतलब मंदिर आते ही फूल खरीदा मैंने और अंदर आ गई। मेरे पास सारा सामान है, कल मैंने खरीदा दीदी को, भगवान जी को फटाफट पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद पर कोई है नहीं कि कोई फ़ोन पकड़े मैं पूजा करूँ तो दिखाएगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं। तो हो गई हमारी पूजा और मैं कैसी लग रही आज सारी में मुझे जरूर बताए, और आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दें। मेरा पूजा हो गया ख़त्म और सारी में लोग। फ्रेंड्स, मैं हो चुकी तैयार और मंदिर से आने के बाद मैंने बस थोड़ा बहुत पढ़ा, खाया पिया, उसके बाद बस अभी बैठी हुई थी मैं। फिर अचानक दीपू बाबू का फ़ोन आया कि वो आ रहे हैं, तो मतलब मुझे सरप्राइज़ दिया वो आकर। और अभी मतलब लोग सोचे बस कहीं जाकर खाए घूम आए थोड़ा सा। और मैंने लिया था जो दीपू बाबू के लिए गिफ्ट, आप लोगों को तो पता है, तो वो गिफ्ट अब दीपू बाबू को देने वाली हूँ और वो अनबॉक्सिंग कर लेंगे तो अच्छा है। अभी फिर घूम के आएंगे, उसके बाद पता नहीं टाइम रहे कि ना रहे, तो देती हूँ मैं उनको। नहीं, दीपू बाबू को जब गिफ्ट दे रही तो वो बोल रहे मैं नहीं लूँगा। हैप्पी एनिवर्सरी मेरी तरफ से। और मेरे नाम कुछ भी नहीं लिखा, बैठ के खोलिए। तो खुद से पैक कर, हम खुद से पैक नहीं।
आपने कितने जो दिया डेरी मिल्क एक छोटा सा और क्या है वो परफ्यूम आपके पास नहीं था, दो डेरी मिल्क होगा ना तो कैसा लगा आपको? बहुत ही बेकार लगा। क्यों क्यों आपको बहुत बेकार लगा? आपको इनको एक दो फोटो। अरे ऐसा बात छोड़ ना आप, अरे ये सुन लीजिए, आपको अच्छा लगा ना तो थैंक यू तो बोलना बनता है ना, थैंक यू नहीं बोल रहे थे कभी ना। अब हम लोग फाइनली आज बहुत दिन के बाद में बोल रही हूँ, फाइनली आज हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए? मेरा एनिवर्सरी। अपना वेडिंग एनिवर्सरी। और दीपू बाबू का सेट कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम इन्होंने साइड ग्रीन आप पहले भी पहने थे क्या? डार्क ग्रीन है ये। और मैं तो इतना सारा ड्रेस चेंज किया, मतलब इतना सारा पसंद करने के बाद फाइनल मैंने डिसाइड किया स्वेटर ही पहन के ठीक है बाहर चली जाती हूँ। हम और दीपू बाबू जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा रेस्टोरेंट है कि गाइड में हमको हमको कुछ नहीं पता और सब लोग तो मतलब गाइड के मिल गई। आपको कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। हम लोग पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट, पता नहीं कौन सा रेस्टोरेंट है मेरे पीछे, अभी दिखाती हूँ आगे की ओर से। ₹40 हो रही है।